वार्ता का मेन मकसद था सिक्योरिटी फॉर पीआरआईज पंचीज एंड सरपंचीज। बीते दो दिनों में अनंतनाग जिला के अंदर एक सरपंच की हत्या और वीडीसी चेयरमैन की हत्या, लाइजन ऑफिसर की हत्या ये दर्शाता है कि भारतीय सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार के दावे टोटल खोखले हैं। पिछले बीते एक वर्षों में हजारों हजारों बार ब्यूरोक्रेसी ने, चाहे वो जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी हो चाहे वो भारतीय सरकार की ब्यूरोक्रेसी हो, बार बार उन्होंने सरपंचों और पंचों की सिक्योरिटी के बारे में बड़े बड़े दावे किए जो बिल्कुल खोखले साबित हुए। उनकी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं हुआ। एक तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाल किला से पंचों और सरपंचों की सिक्योरिटी की बात करते हैं, दूसरी तरफ भारत जम्मू कश्मीर की सरकार जो बैक टू विलेज के ऊपर इतने दावे ठोकती है कि बैक टू विलेज जो रिव्यू प्रोग्राम जो पहले 6 महीने चला था, अब 6 महीने के बाद जो रिव्यू प्रोग्राम चल रहा है वो बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है। मैं पत्रकार बंधुओं आपको बताना, प्रूफ फुल जो सिक्योरिटी के बारे में इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे और डेवलपमेंट के बारे में दावे किए थे, ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये टोटल ड्रामा है, वो आपने बीते दो दिनों में देख लिया। पिछले दो दिनों से जम्मू के अंदर बैक टू विलेज के कार्यक्रम, ये जितना भी लखनपुर से लेके पूंछ तक जो बॉर्डर एरिया है ये जहां चल रहा है, यहां का मैं बीडीसी चेयरमैन हूं, वो सटा हुआ बॉर्डर का इलाका है। कल कांगड़ी में, तला टांडा में जो पंचायतें हैं वहां बैक टू विलेज प्रोग्राम चल रहा था और सिक्योरिटी के नाम पे बिल्कुल जीरो अरेंजमेंट थे। और जहां बैक टू विलेज प्रोग्राम चल रहा था वहां से बॉर्डर टोटल 0 किलोमीटर है। मैं सरकार से, सरकार के दावों पे सवालिया निशान लगाना चाहता हूं कि सरकार के जो दावे हैं ये टोटल खोखले हैं और पंचों और सरपंचों की जो है ये जान जो है बिल्कुल खतरे, एक बिल्कुल इनकी जो है जान को खतरा है। और रिसेंटली एक दिन पहले पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों ने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि जितनी भी सरपंचों और पंचों की लाशें बिछानी है बिछा दो। आपने सुना होगा मीडिया में, जितनी भी मीडिया की रिपोर्टें हैं, चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे टीवी हो, ये आपने सुना होगा कि एचएम ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है चाहे किसी और एजेंसी ने लिया है जो मिलिटेंसी या ऑर्गेनाइजेशन है, कि अब जो सरपंचों पंचों की जो बारी है, जो बैक टू विलेज में जो हिस्सेदारी जो सरपंच पंच जोर शोर से कर रहे हैं उनको जो है एलिमिनेट किया जाए। तो हम एक रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से, अपील करते हैं प्रधानमंत्री साहब को, ऑनरेबल गवर्नर साहब को, ये इंतजामिया को डायरेक्शन दें कि जो सरपंचों और पंचों की सिक्योरिटी के बारे में जो है वो थोड़ी सी चिंता की जाए। अदरवाइज ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो सरपंचों और पंचों की नुमाइंदगी करती है, आने वाले 2-4 दिनों में ये कोर कमेटी की जो मीटिंग जो है वो हम जम्मू के अंदर जो है बुलाने वाले हैं। मुझे लगता है कि जितनी भी कोर कमेटी है वो फैसला लेगी सरपंच पंच आगे वर्किंग करेंगे या वो रिजाइन देंगे। मुझे लगता है अगर इनका सिक्योरिटी का बंदोबस्त जो ना किया गया तो मुझे लगता है कि इनको रिजाइन देना ही पड़ेगा, क्योंकि जान से आगे कुछ भी नहीं है। अगर जान है तो देश है, देश है तो पूरा सिस्टम है। तो एक रिक्वेस्ट करते हैं हम आपके आगे कि ये जो हमारी जो अपील है ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचाई जाए, गवर्नर साहब तक पहुंचाई जाए। और जितनी भी, मैं तो एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी इंतजामिया है वो इतने बड़े बड़े दावे करती है लेकिन उनके दावे जो है कहां खोखले साबित हो जाते हैं। मुझे लगता है ये जो दावे हैं ये टोटल अखबारों और रेडियो टीवी में दिखाई देते हैं, ग्राउंड में इसकी बिल्कुल जीरो इंप्लीमेंटेशन है। एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत, क्या एम्पावरमेंट कर रहे हैं ये मुझे बताइए। 1 साल 29 तारीख को, आई 29 है, कल 1 साल होने को जा रहा है,
इंपावरमेंट के नाम पे टोटल जीरो। मुझे लगता है इंपावरमेंट जो है वो ब्यूरोक्रेसी की हो रही है, सेक्रेटरीट के अंदर हो रही है। ये पीआरएस की ब्यूरो कोई इंपावरमेंट नहीं है। सबसे बड़ी चीज है सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी नहीं देंगे, जो कश्मीर के अंदर जो सरपंच पंच काम करता है वो कैसे करेगा सिक्योरिटी के बिना? एक एसपी है, एक डीआईजी है, आप एसपी डीआईजी की बात छोड़िए, एक एसएचओ है, वो पांच पांच बॉडीगार्ड लेके चलता है, डीएसपी 10 बॉडीगार्ड लेके चलता है, और सरपंच एक पंचायत का हेड है, उसके पास एक पीएसओ की सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। तो हम अपील करना चाहते हैं ऑनरेबल एचएम साहब से, जब होम मिनिस्टर साहब कश्मीर के दौरे पे आए, उन्होंने सिक्योरिटी के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एचएम साहब, होम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल एलजी साहब जो हैं, इनकी जो डायरेक्शन है वो ग्राउंड पे काम कर रही है। बिल्कुल जीरो, कोई डेवलपमेंट का नाम नहीं, कोई इंपावरमेंट नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, सिर्फ ड्रामा है, इसके सिवा कुछ नहीं।